आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं एडवांस एक्सेल वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग, और हम इसकी दूसरे ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। हमने लास्ट क्लासेस में आपको समझाया था कि बेसिकली मेन चार ऑब्जेक्ट होते हैं, एप्लीकेशन जो कि पहला एप्लीकेशन है, दूसरा था हमारा वर्कबुक शीट्स एंड रेंज। शीट्स, और चौथा था हमारा रेंज। तो एप्लीकेशन को हमने फिलहाल स्किप किया है, वर्कबुक हमने पढ़ा, अब हम सीट को पढ़ेंगे। तो सीट को कैसे कॉल करेंगे और उस पे क्या-क्या चीज कैसे होगी। ओके, तो सबसे पहले जानते हैं सीट को कॉल कैसे करेंगे। जैसे आपने वर्कबुक और एक्टिव वर्कबुक पढ़ा था, ऐसे सीट में क्या करेक्ट। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सीट में सबसे पहला है हमारा कि हम सीट का देखिए, सीट के दो नेम होते हैं। पहला होता है प्रॉपर्टी नेम, दूसरा होता है कैप्शन नेम। कैप्शन नेम जो बाहर यहां दिखता है, जिसको यूजर ये नेम रिनेम कर सकता है, इसको कैप्शन नेम कहा जाता है। और यहां प्रोग्रामर के पास ब्रैकेट में दिखता है, इसको प्रॉपर्टी नेम कहते हैं। मतलब कि प्रॉपर्टी नेम अगर सीट वन है, सीट वन डॉट अगर हमने कर दिया, मान लीजिए कि एक्टिवेट या सेलेक्ट कर दिया, चलिए राइट। तो ये क्या करेगा कि सीट वन पे जाएगा और इसको एक्टिव कर देगा, सेलेक्ट कर देगा। अगर गलती से मैंने इसका नाम जैम कर दिया तो इस कोड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहां देखिए ब्रैकेट में जैन हुआ है, इसकी प्रॉपर्टी नेम ऑलरेडी जैन ही है, ये सीट वन ही है। बनी है वो हमेशा नेम को सेम भी, रहेगा। हाँ प्रॉपर्टी नेम को भी आप चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी नेम को आम यूजर चेंज नहीं कर सकता है, प्रोग्रामर चेंज करेगा जो वीवीए को एक्सेस करेगा। कहाँ इसको सेलेक्ट कीजिए, यहाँ पे दिख रहा होगा इसकी प्रॉपर्टी में नेम, इसके जगह पे आप चेंज कर सकते हैं। जब इसको चेंज करेंगे आप, तो फिर आपको करेक्ट कोड में चेंज करना पड़ेगा। करेक्ट अंडरस्टूड। ठीक है, सीट वन अब नहीं चलेगा, अब चलेगा मंथ। मंथ किसी ने सीट, मान लीजिए कि मुझे कैप्शन नेम से चल, किसी ने सीट को डिलीट करके फिर यहां पे मान लीजिए कि जैन दे दिया, एक और वर्क नहीं करेगा, क्योंकि जैसे सीट डिलीट होगा या नई सीट ऐड होगा तो उसकी प्रॉपर्टी नेम अलग होगा। तो आप चाहते हैं कि यूजर चाहे सी यूजर आप अगर चाहते हैं कि यूजर चाहे सीट का नाम जो रख ले, तो उस केस में सीट की प्रॉपर्टी नेम से चलते हैं, समझे। आपका सीट बार बार डिलीट होते रहता है, इंसर्ट होते रहता है, लेकिन सीट का नेम सेम होता है। जैसे कि डेटा, डेटा एक कॉमन नेम है और ये सेम रहता है। अगर किसी ने सीट डिलीट करके नया सीट ऐड किया, उसमें डेटा डाला, तो सीट का नेम वो डेटा ही रखेगा। तो उस केस में इसकी कैप्शन नेम डेटा इससे चलेगी। तो डेटा से कोई फर्क नहीं है कि सीट डिलीट हुआ इंसर्ट हुआ, उससे मतलब नहीं, बस सीट का कैप्शन नेम डेटा होना चाहिए। क्लियर है। देखिए प्रॉपर्टी नेम तो समझ गए ना आप, प्रॉपर्टी नेम में प्रॉपर्टी का नेम डाल के सेलेक्ट करना है, डॉट करके करना है, तो इस नाम करके जैसे मैंने मान लीजिए मैंने यहां पे दे दिया सीट टू डॉट एक्टिवेट। अब ये कोड मेरा सब दिन चलेगा अगर किसी ने जैन को अगर फायर भी कर दिया, कोई क्योंकि ये फर्क नहीं प्रॉपर्टी पड़ेगा। प्रॉपर्टी नेम बोलेंगे। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यस क्या है कि प्रॉपर्टी नेम चेंज कब तक नहीं है, जब तक कि सीट डिलीट ना हो। करेक्ट अगर मान लीजिए कि आपका मतलब आपका नेम बार बार डिफरेंट डिफरेंट नेम है, आपका डिफरेंट डिफरेंट नेम है बट सीट या कि सीट यही रहेगा, तो हम प्रॉपर्टी नेम से चलेंगे। ठीक है, ओके मेरा सीट का नेम फिक्स है बट डिफरेंट डिफरेंट सीट इंसर्ट डिलीट होते रहता है। ये समझ में आया कि नहीं दोनों नेम दो ऑप्शन को। नहीं कोई दिक्कत। ठीक है, मतलब प्रॉपर्टी नेम और इसका कैप्शन नेम या
मतलब कि कैप्स प्रॉपर्टी नेम कब यूज करेंगे, जब हमारा नेम अलग अलग हो बट सीट फिक्स हो। कैप्सन नेम कब यूज करेंगे, सीट चाहे कोई भी हो बट नेम फिक्स होना चाहिए। दूसरा आता है कि भाई नहीं मेरा नेम फिक्स है और नहीं मेरा प्रॉपर्टी सीट फिक्स है। फिक्स नहीं मेरा नेम फिक्स है और नहीं प्रॉपर्टी फिक्स है। तो उस केस में यूज करते हैं। मतलब यहां पे क्या प्रॉब्लम आ गया कि मेरे पास ना प्रॉपर्टी नेम है ना कैप्शन नेम है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पे हम देंगे इसका पोजीशन नंबर सी डॉट एक्टिवेट। वन मतलब कि वो पहले सीट पे चाहे जो हो, समझे, अच्छा ओके सीट थ्री भी हो ओके सकता है, पहले पोजीशन पे। पोजीशन दे रही है हमने। जैसे कि मान लीजिए कि एक फाइल के आपने एक फाइल में से पांच पांच सीट्स हैं, उसके सारे डेटा को वन बाय वन कॉपी करना है। वन बाय वन सीट पे जाएंगे कैसे, वहां पे आपको ये मेथड काम आएगा। पहले वन सीट पे, उस पहले यहाँ पे वन कर देंगे तो वन सीट पे जाएगा, फिर दूसरा कोड लिखेंगे उसमें नंबर वन की जगह पे टू कर देंगे तो दूसरे पोजीशन पे चला जाएगा, थ्री कर देंगे तो तीसरे पोजीशन पे चला जाएगा। ओके समझ में आया आपको सर अनिल जी? ठीक है, क्लियर है सर, तीनों समझ में आ गए। मैं तो ओके, क्योंकि पहले तो हमें कॉलिंग मेथड चाहिए, तभी तो इसके आगे हम सिलेक्ट करें, कॉपी करें, रिनेम करें, डिलीट करें, इंसर्ट करें, हाइड अनहाइड, प्रोटेक्ट अनप्रोटेक्ट, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन किसको करेक्ट, करना है, ऑब्जेक्ट तो पहले डिफाइन करना होगा ना। अंडरस्टूड अंडरस्टूड यस। पहले उसके हमने फाइंड और बाद इसको किया। अगला, अगर आपका एक्टिव सीट है तो यहाँ पे एक्टिव सीट आएगा। तो सीट को कॉल करने का चार मेथड है। जैसे वर्कबुक को कॉल करने का तो दो ही मेथड था ना, वर्कबुक्स और एक्टिव, नेम एक्टिव पर वर्कबुक सीट के चार है। पहला विद प्रॉपर्टी नेम, विद कैप्शन नेम, विद नेक्स्ट नंबर एंड विद एक्टिव सीट। या अंडरस्टूड। आप इसका इस्तेमाल चारों में से कोई एक करेंगे। सिचुएशन समझ में आ गया? जब जैसे मान लीजिए मुझे यस अगर सीट मुझे यहाँ पे डेटा पे जाना है, तो अगर डेटा नाम चेंज हो सकता है तो यहाँ पे हम करेंगे सीट्स सीट डॉट थ्री एक्टिवेट या सिलेक्ट, बट डेटा नाम फिक्स है, सीट फोर चेंज हो सकता है, तो फिर हम ऊपर वाले सीट्स सीट डेटा को लेके चलेंगे। तो सिचुएशन पहले हम दिमाग में रख लेंगे क्या सिचुएशन होने वाला है। तो ओके चलिए सीट पे होने वाले मेथड के ऊपर बात करते हैं। जैसे कि सीट को एक्टिवेट करना, जाना सीट को ऐड करना, तो यहां पे हम देते हैं सीट्स, और यहां हाँ सीट्स डॉट ऐड। जो ऐड सीट हुई है उसको रिनेम करना है, तो जाहिर सी बात है जो सीट ऐड हुई है वही एक्टिवेट होगा। जैसे जो फाइल्स ऐड होती है वही एक्टिवेट होता है, करेक्ट यहाँ पे हम दे देंगे जो सीट का नाम देना है वो दे दे सकते हैं यहाँ पे। लेकिन मुझे सीट ऐड करना है विथ नेम, जैसे हमें वर्कबुक ऐड करनी है विथ फाइल नेम और सेव किया हुआ, तो यहाँ पे देंगे सीट्स डॉट ऐड डॉट नेम इक्वल टू डेटा। ओके अब मैं सीट ऐड करूंगा तो सीट मेरा कहाँ ऐड होगा, बिफोर द एक्टिव सीट। लेकिन मुझे सीट ऐड करनी है आफ्टर द डेटा, डेटा शीट। ओके तो उस केस में यहां जब सीट को सीट्स डॉट ऐड करेंगे तो यहां पे पूछता है बिफोर एंड आफ्टर। ओके तो मुझे बिफोर अगर देना है, जैसे मुझे बिफोर डेटा शीट देना है, तो मैं यहाँ पे बिफोर का लिख सकता हूँ। यहाँ पे दो तरीके हैं, एक तो ऐसे चले बिफोर लिखना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सीट्स डेटा, सीट्स
सीट का नेम विद सीट स्टाइल में, ठीक है। सीट का नेम दीजिएगा तो सीट के मेथड के साथ दीजिएगा, ऐसा नहीं कि आप डेटा सीट लिख दे, नहीं चलेगा डेटा सीट, सीट नेम देना पड़ेगा, ठीक है। ओके तो डेटा सीट से पहले आएगा, लेकिन मुझे डेटा सीट के बाद करना है तो यहां मुझे कॉमा करके अब बिफोर को स्किप करना पड़ेगा, ठीक है। एक ठीक तरीका है तो ठीक ये है। है, या दूसरा तरीका है कि सीट्स डॉट एड और मुझे आफ्टर करना है, तो यहां पे आफ्टर लिखेंगे, कॉलन इक्वल करेंगे, आफ्टर बोल्ड हो गया, यस करेक्ट। और यहां पे देंगे सीट्स। और ये मेथड सिर्फ इसमें नहीं, जो ये आपके जो मेंबर का जो डालने का मेथड है, ये सब पे यही चलता है। या जैसे कि मान लीजिए ना कि हमने यहां पे लिख दिया एक्टिव वर्क बुक डॉट सेव एज। अब मैं यहां पे मुझे फाइल नेम देना है और मुझे यहां पे देना है मान लीजिए पासवर्ड, ठीक है। एक तो है कि मैं यहां पे पाथ दे दूं, फाइल पाथ, ठीक है, और कॉमा ओके कॉमा और यहां पे पासवर्ड डाल दो, ठीक है। ओके दूसरा तरीका है कि मैं मुझे मान लीजिए कि यहां पे एड टू एम आर यू करना है, ट्रू एंड फॉल्स, ठीक है। इतना सा स्किप करना पड़ेगा ना मुझे, हाँ तो मैं तो शॉर्टकट में लिखूंगा फाइल नेम और यहां पे हम अपना पाथ दे देंगे, फाइल नेम इक्वल और यहां पे आपका पाथ हो जाएगा, ठीक है। और कॉमा कॉमा में फिर दिखेंगे एड ए डबल डी टी यू एम आर यू और यहां दे देंगे कॉलन इक्वल, बोल लो क्या। ओके तो इसका इस तरह के यूज करेंगे, इसको आगे चलकर और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा, ठीक है ना। ओके तो सीट ऐड करना आ गया। अब सीट ऐड करना है लेकिन पर्टिकुलर डेटा नहीं, क्योंकि मुझे हमेशा सबसे लास्ट में ऐड करना है। तो सीट्स डॉट ऐड और यहां पे आफ्टर इक्वल मैं यहां देता हूं सीट और यहां देता हूं कितने सीट है, तीन था, तो तीन के बाद सीट ऐड कर देगा। बट प्रॉब्लम ये है कि अभी तो तीन है, कल चार हो, उसके बाद चार हो जाएगा, पांच हो जाएगा। तो यहां तीन, यहां पे मुझे चाहिए ऑटोमेटेड काउंट ऑफ सीट्स, इस फाइल वेरिएबल कितने सीट्स है वो काउंट करके मुझे हमेशा अपडेट करता रहे। यस तो यहां पे देंगे सीट्स डॉट काउंट, काउंट सीट्स डॉट काउंट, काउंट, ठीक है। ओके डाउट इसमें नहीं, ठीक है, क्लियर। चलिए तो सीट ऐड हो गया, लेकिन ये तो एक ही सीट को ऐड करेगा, बट आई वांट टू ऐड द फाइव टाइम फाइव सीट टेन सीट। तो यहां ओके सीट्स डॉट ऐड और स्पेस देंगे तो यहां काउंट है, तो आप कॉमा कॉमा करके चले जाए काउंट पे, नंबर दे दे पांच सीट, या काउंट कॉलन इक्वल टू लिख दे। ओके क्लियर है। अब इसमें ये पांच बार शीट क्रिएट कर देगा लास्ट में। हाँ नहीं लास्ट में नहीं, वो जहाँ एक्टिव होगा अभी आफ्टर बिफोर इसमें नहीं लगाया ना मैंने, लगाऊंगा तो हाँ वो लगा देंगे हम लोग, तो फिर वो लास्ट में करेगा, बाकी इसमें अभी वो एक्टिव शीट बात करता रहेगा। हाँ तो सीट ऐड करना आ गया, सीट को रिनेम करना आ गया, या तो सीट ऐड और रिनेम दो चीज हमने सीख लिया। अब बात आती है सीट को कॉपी करना। कॉपी करना मतलब जैसे हम लोग होते हैं ना कि इसको उठाया और कंट्रोल प्रेस करते हुए यहां पे रख दिया तो कॉपी हो जाता है क्या। हाँ मतलब जो हम लोग यहां से मूव या कॉपी कर लेते हैं, और यहां पे मूव एंड कॉपी भी कर सकते हैं। यस अगर मैंने लिख दिया जैसे सी, मैं इस प्रॉपर्टी नेम से चलता हूं कि सीट फोर डॉट मूव, मैं कॉपी करता हूं पहले कॉपी,
कुछ नहीं किया, तो ये क्या करेगा कि सीधे राइट क्लिक, जो आपका डेटा सीट है उसको मूव एंड कॉपी, क्रिएट कॉपी पे क्लिक करेगा, एक नई वर्कबुक में मूव कर देगा। ओके, ये नई नई वर्कबुक में क्रिएट कर देगा। हाँ, लेकिन मुझे इसी वर्कबुक इसी फाइल में चाहिए, मतलब मुझे चाहिए बिफोर द सीट थ्री, तो मूव कॉपी में यहां देना होगा बिफोर शीट्स और यहां पे शीट थ्री। ठीक है, ये बड़े छोटे का कोई फर्क नहीं, पत्र प्रॉब्लम नहीं है इसमें। ओके, अब क्या ओके कि इसको जैसे मूव किया है ना, इसको इसको मूव करके यहाँ रख दे, यहाँ से कॉपी करके यहाँ रख देगा, एक सीट बनाएगा जो कि बिफोर मतलब कि यहाँ ले आएगा यहाँ पे। ठीक है, ओके। लेकिन मेरे पास एक और फाइल है, वो फाइल है जिसमें मैंने फाइल एक नया ओपन किया, ये फाइल है मान लीजिए बुक टू, मैं चाहता हूँ बुक टू में सीट थ्री से पहले लाए, तो मेरा सबसे पहले बुक टू ओपन होना चाहिए, नहीं तो ओपन करवाना पड़ेगा। ठीक है, और यह ओके, इसके आगे हम लिख देंगे वर्क बुक बुक्स और यहां पे बुक बुक टू डॉट एक्सएलएस, बुक टू डॉट एक्सएलएस एम जो भी पाथ है एक्सटेंशन है वो डाल दें, समझे? मतलब इसमें ये एक्सेल एस एम लिखने के बाद मुझे भी पाथ देना पड़ेगा ना, डी जो भी है एफ, नहीं नहीं पाथ नहीं, ओपन होना चाहिए, मतलब इसमें पाथ और डालना पड़ेगा तभी वहां जाके दो उसको, पाथ नहीं डालना पड़ेगा, पाथ की जरूरत नहीं है, अच्छा पाथ नहीं डालना पड़ेगा क्योंकि सीट फाइल मेरा एक्टिव आपको रहेगा, और फाइल ओपन होना चाहिए, एक्टिव से मतलब नहीं, बस ओपन होना चाहिए, फाइल मेरा ओपन होना चाहिए, फाइल ओपन होना और चाहिए। अगर फाइल ओके okay. और अगर अगर फाइल ओपन ना हो सर तो तो ओपन करवा, इस कोड से लिखने से पहले आपको ओपन एंड कोड लिखना पड़ेगा। हाँ, वहां मुझे पा देना पड़ेगा, मुझे जहां से फाइल उठानी हाँ, है हाँ, सही बोला। ओके ठीक है, और सेम उसी तरह से आप मूव में कर सकते हैं, मूव एक पर्टिकुलर फाइल में, और सिर्फ सीट नेम देंगे तो उसी सीट में मूव होगा, और वर्कबुक का नेम देंगे तो उसी पर्टिकुलर वर्कबुक में मूव होगा। ओके, मूवन कॉपी समझ में आ गया? या तो सर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, ज्यादा हो जाएगा ना फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ नहीं, इतना ही ठीक है एक्चुअली, मुझे ये चार चार पॉइंट हो गए तो इसकी प्रैक्टिस करता हूँ पहले, हाँ इसकी प्रैक्टिस फिर कीजिए, फिर कल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और सीट के आगे की चीजों के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और फिर सीट पे एक प्रोजेक्ट भी करेंगे जैसे मैंने वर्कबुक पे किया है। ठीक है सर, या ओके ओके बाय।